वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज और मैं हूं विकेश कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th चैप्टर 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 80 बाई कॉस 72, ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। तो साइन 80 को अपन लिखते हैं साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 को अगर माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 72 बाई कॉस 72, क्लियर है। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पे हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 72, तो क्या बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस 72। तो कॉस 72 बाई कॉस 72 वैल्यू क्या आ गया 1, दैट्स द आंसर। इसी तरह दूसरे देखते हैं टेन 26 बाई कॉट 64। तो टेन 26 इसको भी इसी तरह लिखते हैं कि टेन 90 माइनस 64। टेन 90 माइनस 64 इसको टू 26 हो जाएगा और कॉट 64। तो टेन 90 माइनस थीटा इसको टू कॉट थीटा, तो कॉट 64 बाई कॉट 64, क्लियर है, क्या आया 1। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉस 48 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस को या तो साइन में चेंज कर लेते हैं या साइन को कॉस में, तो इसी को लिखते हैं कॉस 90 माइनस 42 इक्वल टू 48 और माइनस साइन को इसी तरह रहने देते हैं साइन 42, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है। तो साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है कॉस 31 माइनस सेक 59। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं कॉस सेक 31 90 माइनस 59, ठीक है, माइनस सेक 59, क्लियर। तो कॉस सेक 90 माइनस 59 यानी कॉस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, क्लियर है। और ये हो गया हमारा 0, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो बोल रहा है सो दैट 1048 माइनस 1023 1042 1067 इक्वल टू 1, ठीक है। शुरू करते हैं LHS से। तो क्या बोल रहा है 1048 और 1042, तो 10 को सबसे पहले चेंज करते हैं कॉट में। तो कॉट में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 42, क्या हो गया 1048 हो गया, 90 माइनस 42 माइनस करेंगे 48 हो गया। इसको भी चेंज कर लेते हैं 10 90 माइनस 67, 10 42 10 67, क्लियर है। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 42, ठीक है। ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा, तो कॉट 67, ये हो गया 10 42 10 67, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाई 10 थीटा, तो 10 42, इसको भी लिख देते हैं 1 बाई 10 थीटा 10 67, ठीक है, मल्टीप्लाई है ये सारे, यहां लिख देते हैं 10 42 10 67,
सेवन, क्लियर हो गया। टेन से टेन कट गया, ये भी टेन से टेन कट गया, तो क्या रिजल्ट आया, वन। तो फाइनल रिजल्ट आ गया वन, यही प्रूफ करना था, तो लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर टू का ही टू है, इसको भी शो करना है। क्या शो करना है, कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो इसको चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे कॉस 38 है साइन 38 है, कॉस 52 है साइन 52 है, क्लियर है। तो या तो इधर चेंज करो या तो इधर चेंज करो। देखो करते क्या है कि सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 52, ठीक है, और इसको चेंज कर देते हैं कॉस 90 माइनस 38, ठीक है, इसको इसी तरह रहने देते हैं, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इस, ठीक है, एलएचएस रखते हैं इसको। तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो साइन 52 ये हो गया साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इस माइनस हो गया, तो माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। हमें क्या लेकर आना था, जीरो लेके आना था, हेंस प्रूफ, आरएचएस मिल गया हमें, क्लियर है पॉइंट। तो इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इफ टेन टू ए, इफ टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, ठीक है, तो हेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, a की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, ये cot है ये tan है, तो इसको भी cot में चेंज कर लेते हैं। तो cot में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a, ध्यान दीजिए cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, tan 2a के इक्वल है। cot 90 माइनस 2a किसके इक्वल है, tan 2a के इक्वल है, और tan 2a इज इक्वल टू क्या है, cot a माइनस 18, क्लियर हो गया। तो ये भी cot दोनों इक्वल भी है, तो लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, क्लियर, 108 इक्वल टू 3a, a इक्वल टू 108 बाई 3 इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। हमें क्या पूछा है, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, रिजल्ट मिल गया a इक्वल टू 36 डिग्री आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, इफ टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो इफ टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, तो लिखते हैं यहां पे टेन ए इज इक्वल टू cot b, ये गिवन है हमारे पास, है ना, तो tan को cot में चेंज कर लेते हैं। तो cot में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू cot b, ठीक है, तो cot 90 माइनस a इधर हो गया cot b, तो दोनों cot ही है, तो ये हो गया, इसका एंगल क्या है 90 माइनस a, और इसका एंगल क्या है भी, दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ध्यान दीजिए, तो 90 इज इक्वल टू, ये इधर जाके क्या हो गया, माइनस है तो प्लस, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ओके चलिए इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्लियर है 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। तो sec 4a इज इक्वल टू हमें क्या लेकर आना है, सॉरी हमें एक एक की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं, sec को cosec में चेंज कर लेते हैं। तो cosec में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, cosec 90 माइनस 4a, तो 90 माइनस 4a यानी cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू sec। तो cosec a माइनस 20, ठीक है, cosec 90 माइनस 4a इधर है, cosec a माइनस 20 इधर है। क्लियर है पॉइंट, तो a माइनस 4a a माइनस 20 दोनों इक्वल होगा, a माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। क्लियर, ये माइनस है इधर आके क्या हो गया प्लस a, ये माइनस है इधर आके ये भी क्या हो गया प्लस, तो यहां आ गया 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। a इज इक्वल टू क्या हो गया 110 बाई 5 यानी 22 डिग्री आंसर। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना था, a इज इक्वल टू क्या आया 22 डिग्री, a इज इक्वल टू क्या आया 22 डिग्री आंसर। क्लियर है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। चलिए देखते हैं, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, मान लो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर इसका एंगल ए बी सी है तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अगर 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90। क्लियर, तो ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90। हमें क्या प्रूफ करना है, कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो बी बाई 2 और सी बाई 2 को सेपरेट कर लेते हैं और ए बाई 2 को भी सेपरेट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2, इधर आके माइनस हो गया। तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि बी बाई 2 भी है प्लस सी बाई 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम ले लिए। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस ए बाई 2, यही प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ। क्लियर हो गई पॉइंट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 61 प्लस कॉस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। देखिए हमें क्या बोल रहा है, साइन 61 और कॉस प्लस कॉस 75 तो चेंज करके जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच लेकर आना है। तो अगर इसको चेंज करें साइन 61 को तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि साइन 90 माइनस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 29,
ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस 15, ये हो गया 75, ये हो गया 61। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो कॉस 29 प्लस साइन 15 डिग्री, क्लियर है। तो इसकी एंगल जो है 0 और 45 के बीच रही, यानी 29 और 50 आ गई। तो हमारा आंसर इसी यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें चेंज करने का बोला है, चेंज हो गया, एंगल 0 और 45 के बीच हो गया। इस चैप्टर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।